हेलो स्टूडेंट, विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि 22 तारीख से संपन्न हो रही है, पहला पेपर जो आप लोगों का रखा हुआ है हिंदी का, उसी की आज मैं तैयारी कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रश्न पत्र को अच्छे से अटेंड करोगे और सारे प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से याद करके जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समय आप लोग जानते ही हैं, 3.25 घंटे का आप लोग समय मिलता है, 15 मिनट आप लोग पेपर पढ़ने के मिलता है। समस्त प्रश्नों के जो अंक हैं सामने दिए गए हैं, तो सामान्य हिंदी द्वादश कक्षा 12 पूर्णांक 100 अंकों का प्रश्न पत्र है, निर्देश आप लोग जानते ही हैं। शुरुआत करता हूँ खंड का से। यहाँ पर ऑप्शनल का टाइप के क्वेश्चन 10 आएंगे, आप लोग 10 अंक निर्धारित हैं। पहला क्वेश्चन, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना आप लोगों को बतानी, कौन सी इनमें से किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। उसके बाद कुटज जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, अब क्या है ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादनकर्ता कौन थे। उसके बाद आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना, ये आप लोगों को ज्ञात होगा। और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सेकंड का है, ज्ञान अश्वेय शाखा के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो ज्ञान से संबंधित जो कवि थे कबीरदास, आप लोगों को ज्ञात होगा, लेकिन प्रश्न ध्यान से समझिएगा, प्रथम कवि माने जाते हैं। उसके बाद रामचंद्र का केशवदास की रचना है। उर्वशी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। सुमित्रा नंदन पंत के ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। द्विवेदी युग की समय सीमा भी जरूर पढ़ के जाएं। अब जो प्रश्न आएगा वो गद्यांश से आधारित होगा, दो गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का उत्तर आप लोगों को देना है। यहाँ पर राष्ट्र का स्वरूप पहला गद्यांश है, इसी से पहला महत्वपूर्ण गद्यांश आ चुका है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्य ने युग युग में जिस सभ्यता का निर्माण किया है ये राष्ट्र का स्वरूप है। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है अशोक का फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसके भी जो है गद्यांश जरूर पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से गद्यांश के बारे में समझ गए होंगे। पद्यांश की बात करें तो दो पद्यांश में से किसी किन्हीं दो पद्यांशों को आप लोगों को लिखना है। पहला कोई प्यारा कुसुम कुम्हाला, ये मैं जो पढ़ा हुआ हूँ, इस प्रकार से ये पहला पद्यांश है। और नील परिधान बीच सकुमार, खुल रहा मृदुल अख दुला अध खुला अंग, तो ये आप लोगों को दो पद्यांश दिए गए हैं, इसी को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी से संबंधित जो भी पाठ है आप लोग जरूर पद्यांश पढ़ के जाएँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तीसरा जो प्रश्न है साहित्यिक परिचय में आप लोगों वसुदेव शरण अग्रवाल और डॉक्टर हरिचरण प्रसाद द्विवेदी जरूर पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़िए, ये प्रश्न जो है आप लोगों के जरूर आएंगे इसी तरह से। अगला जो कवि परिचय में जिसमें जयशंकर प्रसाद शामिल हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, जरूर पढ़ के जाइए। दो आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ने ही पढ़ने हैं जिसमें आप लोग तैयारी अच्छे से हो सके। पंचलाट कहानी का सारांश पूछा गया है, उसी तरह से उद्देश्य भी प्रकाश डालिए। 5 नंबर का प्रश्न है खंड का, आप जानते ही हैं सत्य की जीत है, जिसका प्रमुख पात्र जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, नायिका का वर्णन करना आप लोगों को, द्रौपदी के बारे में बताना है आप लोगों को। उसके बाद संस्कृत की बात करें, शुरुआत में ही आत्मना आत्मा को ये दिया गया है पार्ट। उसके बाद संस्कृत साहित्य महत्व या संस्कृत भाषा या महत्व जो चैप्टर है उससे अभी आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण जो है पैराग्राफ है। यहाँ पर संस्कृत साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है, इसको जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। उसके बाद श्लोक में भी आप लोगों को बध्यान से भी रिलेटेड संस्कृत मिलने वाला है, तो न मेन चोरोचते और इसमें न चौरहार्यम, ये दोनों ही पढ़ के जाइए। इसके अलावा जो मैंने टिक लगाए हैं बुक में आप लोगों को जो तैयारी कराई है मैंने, उसको भी आप लोग जरूर कंटेस्ट करें। अब जो आगे है यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के आप लोगों को वाक्य प्रयोग करना है। कूप मंडूक होना, इत का चांद होना, कहाँ राजा भोज, ये आप लोगों को बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। 2 नंबर का प्रश्न है संधि विच्छेद, ऑप्शनल में आता है, 3 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को ऑप्शनल के आधार पर देने पड़ते हैं, उम्मीद है ये भी आप लोग कर लोगे। विभक्ति परिचय वचन के अनुसार खींचना है, तो विभक्ति परिचय भी आप लोग ऑप्शन में मिला हुआ है, समझ के जाइएगा। और युग्म का सही अर्थ ये भी ऑप्शनल है, तरण तरुणी तनुजा तटमान तमाल तरुअर बहुझा, इस प्रकार से आप लोगों ने तरुणी तनुजा तर तमाल तो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। कुल और कुल ये भी आप लोगों को आता होगा, इस किसी एक अर्थ का आप लोगों को अनेकार्थी शब्द भी तैयार करना है 11वें के खा में। और गा वाले में आप लोगों को यहाँ पर शब्द चयन दिया हुआ है, अभी अभी स्नान किया हुआ, और यहाँ पर वाक्यांश तैयार करना है, तो कौन सा सही होगा, दो हैं, दोनों आप लोगों को आना चाहिए और किसी एक आप लोगों को करना है। उसके बाद निम्नलिखित किसी किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करना है, दो वाक्य शुद्ध कर लीजिएगा। रस आप लोगों को मैंने बता दिया, हास रस श्रृंगार रस विरस, इन्हीं में से आप लोगों को पूछा जाएगा। उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये जरूर पढ़ के जाएं जिसमें आप लोग तैयारी अच्छे से हो सके। दोहा सोरठा चौपाई, ये तीनों ही अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए। विद्यालय के प्रबंधक के नाम, हिंदी प्रवक्ता हेतु, पद की नियुक्ति हेतु आप लोग आवेदन पत्र भरना है, या फिर कोरोना महामारी फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को, या फिर मलेरिया की संभावना को देखते हुए आप लोग स्वास्थ्य अधिकारी को जो है पत्र लिखोगे।
और अंतिम जो प्रश्न 14वां है, इसमें आप लोगों को किसी एक भाषा शैली में निबंध लिखने के लिए पूछा जाता है। साहित्य और समाज, वैश्विक महामारी, कोविड-19, मेरा प्रिय कवि या लेखक, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण प्रदूषण, ये जरूर पढ़ते जाएँ। पर्यावरण प्रदूषण तो महत्वपूर्ण है, जरूर तैयार कर लें। उम्मीद है आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, जिसमें विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों तक ये वीडियो जरूर पहुंच सके, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।